ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। सो वेलकम जोशी, क्या हाल चाल है आपका? जी की हाल चाल दोस्तों, तो ठीक ठाक। जो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओला S1X के बारे में। सो रिसेंटली मेरे दोस्त ने इसको बाय किया है। सो वेलकम जस्सी। थैंक यू हनी। सो ऑलमोस्ट जो है 500 किलोमीटर जो चल चुकी है। होनेस्टली रिव्यू देने वाले हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या इस प्राइस रेंज में इसको लेना जो है वर्थ है कि नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो जस्सी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ईवी ही क्यों? सो ऑलरेडी मेरे पास जो है दो स्कूटी थी, एक अच्छा। बाइक थी, पेट्रोल बाइक। तो मैंने सोचा कि जैसे अब जीत चुके हैं तो 100 के पार पेट्रोल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप थोड़ी पॉलिटिकली बात कर रहे हो। इतना भी सच नहीं बोलना है। सो ऑलरेडी मेरे पास जो है 3 पेट्रोल बाइक थी, कहने का मतलब है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि एक बार जो है ईवी में जरूर स्विच होना चाहिए ताकि हम इसके बेनिफिट और इसके नेगेटिव पॉइंट की जो है बात कर सकें। सो जैसे अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि इसको परचेज करने में क्या प्रोसेस रहा, डिलीवरी कितने दिन में मिल गई, डिलीवरी लेने में कोई दिक्कत परेशानी आई हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका पेमेंट मेथड क्या रहा? सो अगर आप लोग थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो ऑनलाइन की, तो डायरेक्टली आप जो है ओला की साइड से इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप लोग जो है नीरेस्ट जो भी इसका सेंटर है या ऑफिस आप लोग कह सकते हो, उससे जाकर भी जो है परचेज कर सकते हो। वहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली नहीं मिलेगी, वो भी आप लोगों को जो है वहाँ पर बिठा कर ओला की साइड से ही परचेज कराते हैं। आप लोगों को वहाँ पर जो है मोड सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है कि आपको कौन सा वेरिएंट चूज़ करना है। उसके बाद कलर ऑप्शन मिल जाती है, 6-7 कलर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली भी आप कैश जो है एक बार में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है, आप फाइनेंस कराना चाहते हो, तो वो भी इसमें जो है ऑप्शन मिल जाता है आपको, वो भी कम इंटरेस्ट रेट में। 6-7% जो है एनुअली आपको जो है इसका परसेंटेज लगने वाला है, तो बहुत ही कम प्राइस में जो है इसका फाइनेंस हो जाता है। तो इसकी अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी अप्रोक्सीमेटली इसकी जो है 18-20 दिन के अंदर अंदर इस मुझे मिल चुकी है, ठीक है। फर्स्ट दिन इसका जो है मैसेज आ जाता है कि कब तक जो है रेडी हो जाएगी। तो उससे जो है मुझे 2 दिन पहले जो है ये मिल गई है अपने सेंटर में, ठीक है। और अगर मैं सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूँ इसकी, डिलीवरी एक्सपीरियंस की, तो वो काफ़ी अच्छा रहा, मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है। जितना टाइम बताया था उतने टाइम के अंदर अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो सर्विस बेस्ट लगी उनकी। सो बेसिकली जैसे इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, ओला S1 Pro, ओला S1 Air एंड ओला S1X। सो जो हमारे सामने खड़ा है, तो इसमें आपको क्या खास देखने को मिला? सो ये वाला जो मॉडल है ये नया है ओला S1X, ठीक है। इसमें भी जो है 3 जो है बैटरी वेरिएंट मिल जाते हैं, 2 kW, 3 kW और 4 kW। अच्छा। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जो है बैटरी पैक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक लोगे उतनी महंगी और कॉस्टली होती जाती है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको परचेज कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा जो है डेली रनिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने जो जे वाला वेरियंट है वो 4 kW का है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने इसको जो है 4 kW को परचेज किया। सो जैसे इसके वेरिएंट्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। सो जो इसका एक्शोरूम प्राइस ऑनलाइन शो करता है वो 1,00,000 है जी। तो टोटली आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा इसका? सो एक्शोरूम प्राइस की तो आपने बात कर ली कि अगर आप लोग वेबसाइट पर भी चेक करेंगे तो 4 kW जो बैटरी पैक है इसका 1,00,000 जो है प्राइस शो करता है अभी के टाइम पर, ठीक है। तो अगर आप ऑन रोड की बात करें तो मुझे जो है नंबर प्लेट लगकर, इसकी RC बनकर और इसमें इंश्योरेंस होकर, जो भी आपको छोटी मोटी एक्सेसरी मिलती है, 1-2 एक्सेसरी मिलती है इसमें छोटी मोटी, ठीक है, वो सभी कुछ मिलाकर मुझे जो है ऑन रोड प्राइस इसका जो है 1,12,000 के आसपास जो है नीरस पड़
चुका है। सो जस्सी, आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप इसको 500 किलोमीटर चला चुके हो, राइट? और मैंने ऑनलाइन चेक किया कि कंपनी इसकी सर्टिफाइड रेंज बता रही है 193 किलोमीटर, राइट? तो आपको क्या रेंज मिली इसको चलाने में, थोड़ा बताइए यूज़र को कि क्लियरली पता चले। सो वेरी गुड क्वेश्चन हनी, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है जोल मोल होता है कंपनी का, वो रेंज को लेकर होता है, ठीक है। कंपनी कुछ क्लेम करती है और रियल लाइफ में कुछ निकल कर आता है। सो डेफिनेटली जो है मैंने 500 किलोमीटर इसको चला लिया है, तो हम यूज़र को जो है क्लियर करने वाला हूँ। मैं रियल लाइफ में मैंने इसको टेस्ट किया है इको मोड में, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी जो है अप्रोक्सीमेटली जो है रेंज, कंपनी ने जो है सर्टिफाइड रेंज इसकी क्लेम की है 193 किलोमीटर की, ठीक है। राइट। और जीरो से अगर आप 100% चार्ज करेंगे तो आप लोगों को जहाँ पर मीटर पर जो है 167 जो है रेंज इसमें दिखाता है, ठीक है। ओके। थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, ठीक है। आ गया। और मैंने जो है एक हफ्ता इसको जो है इको मोड में टेस्ट किया 100 से लेकर 0% तक। okay. वो भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे जो है रियल लाइफ में अगर सच बताऊं तो मुझे 130 से लेकर 140 किलोमीटर की जो है रेंज मिली, वो भी इको पर, ठीक है। इको पर आप लोगों को जो है ध्यान देना है कि 42 जो है इसकी टॉप स्पीड रहती है, इससे ऊपर आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप लोग जो है 42 के आसपास चलाते हो तो आपको जो है 130 की 140 की जो है रेंज निकाल कर दे देती है। मतलब कि थोड़ा सा इसमें जो है जोल मोल लगा मुझे कि कंपनी कुछ क्लेम करती है, right. मीटर में कुछ आता है और रियल लाइफ में हमें जो है कुछ देखने को मिलता है। से वो ये थोड़ा सा मुझे जो है नेगेटिव पॉइंट लगा। मेरे अकॉर्डिंगली इसमें जो है 150 की 160 की जो है रेंज निकल कर आनी चाहिए। तो जस्सी, बात होगी इसकी रेंज की, अब बात करते हैं इसकी बैटरी की कि 0 से 100% चार्ज होने में कितना टाइम लेती है। सो जो कंपनी वेबसाइट पर क्लेम करती है 6.5 घंटे के आसपास 4 किलोवाट बैटरी पैक का, ठीक है। तो एक्चुअल में मैंने जब इसको जो है 0 से 100% चार्ज किया तो वही टाइम निकल के आया आपका जो है 6 से 6.5 घंटे ही लगते हैं चार्ज होने में। सो जैसे आप लोग जो है इसको जो है चार्जिंग पर लगाते हैं तो मैं हनी को बोलूँगा कि एक पिक्चर लगा दें, वहाँ पर पहले ही जो है टाइम आ जाता है कि आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है 5:00 PM चार्ज लगाई तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी जो है 10:00 होने वाली है कंप्लीट चार्जिंग, के 10:30 पर होने वाली है। सो सब कुछ पहले क्लियर हो जाता है, आपको बार बार जो है चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरी बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो गई है, फुल चार्ज हुई है कि नहीं हुई है। सो आपको एक स्पेसिफिक टाइम जो है मिल जाता है। तो मैंने एक और बात नोटिस की, जितना इसमें टाइम जो है पहले ही लिखा आता है स्क्रीन में, उससे जो तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट जो है पहले चार्ज हो जाती है। अगर आप लोग इसको बार बार चेक ना करें कि ये चार्ज कितनी हुई, ठीक है। अगर आप एक बार चार्ज लगा के छोड़ दोगे तो जितना टाइम बताया उससे 10-15 मिनट या 20 मिनट पहले ही चार्ज हो जाएगी। सो बेसिकली मुझे क्या लगा कि ये एक सेफ्टी पॉइंट हो सकता है कि अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि बैटरी कब तक चार्ज हो जाएगी, है ना, तो बैटरी का कोई नुकसान होने से बच जाएगा, है ना जी। अब मैं बात करना चाहूंगा इसकी टॉप स्पीड। मैंने देखा कि कंपनी क्लेम कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, क्या सच्ची में आपको 90 किलोमीटर मिल रही है? तो इसमें जो है तीन आपको पता ही है कि मोड मिल जाते हैं इस वाले वेरियंट में, ठीक है। नॉर्मल मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। अगर आप इको मोड में चलाते हो तो आपको जो है 42 की रेंज जो है स्पीड, मतलब की टॉप स्पीड मिल जाती है। अगर आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट करते हो तो आप लोगों को नॉर्मल मोड में जो है 70 की स्पीड ऑलमोस्ट जो मिल जाती है। अगर आप लोग स्पोर्ट्स मोड में आते हो तो आप लोगों को जो है, मैंने टेस्ट किया हुआ है और हनी को भी कह देता हूँ कि फ़ोटो साथ में अटैच कर दे, कि 90 की स्पीड पर जो है ये आराम से चली जाती है। सो जैसे सब कुछ हो चुका है ना, तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि 10 दिन में क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले, क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले। सो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं इसकी। तो पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इसकी जो है टॉप स्पीड, okay. वो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर किसी को जो है स्पोर्ट्स में राइडिंग करनी है, ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए ये बेस्ट होने वाली है। सेकंड इसका पॉजिटिव पॉइंट कि इसकी जो है सीट, बैठने की सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। और थर्ड इसका पॉजिटिव पॉइंट कि आपको जो है बूट स्पेस जो है काफ़ी देखने को मिल जाता है। 34 लीटर का जो है कंपनी बूट स्पेस इसमें जो है क्लेम करती है, तो वो आप लोगों को जो है 3 इसमें जो है पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें
तो नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है कि इसमें जो है चार्जिंग सॉकेट इसको कोई भी ओपन कर सकता है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो है दिक्कत आ सकती है अगर आप लोगों ने इसको जो है खुला छोड़ दिया। अच्छा। ठीक है, सेकंड इसका जो है नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगा कि थोड़ी सी इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। कंपनी जो है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ना इसकी बिल्ड क्वालिटी जो थोड़ी सी कम कर दी है। ठीक है, और थर्ड इसका जो है मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसमें जैसे आप लोग जो है ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक जैसे ही आप लोग छोड़ेंगे तो आप लोग जैसे रेस देंगे तो आपकी स्कूटी नहीं चलेगी, बल्कि आप लोगों को फिर देखना पड़ेगा कि आपकी जो है ब्रेक को आगे करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी सी ब्रेक अगर लग जाती है तो आप लोगों को पता है कि मोटर कटआउट हो जाती है, तो ब्रेक ऑटोमेटिकली जो है थोड़ी सी लगी रह जाती है एक बार प्रेस करने पर। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोगों को उसको जो है लगाने के बाद उसको खोलना पड़ेगा ब्रेक को। अच्छा, तो ये मुझे थोड़ा सा जो है इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। और चौथा इसका मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि जो इंडिकेटर वाला जो है इसका बटन है तो उसकी क्वालिटी बहुत कम है। एक दो बार ये निकल चुका है, मैंने इसको जो है दोबारा से फिट किया है, तो उसको भी जो है कंपनी को थोड़ा सा जो है इसको बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। सो मुझे इसकी अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो मुझे इसका पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या लगा कि अगर आप किसी रिश्तेदार के घर गए हो, चार्जर अपना साथ लेके गए हो, तो भाई आपने पेट्रोल के पैसे भी बचा लिए हैं, बिजली के पैसे भी बचा लिए, मतलब कि ऑलमोस्ट आपका खर्चा जो है जीरो आने वाला है। सो ये अच्छी ट्रिक दी है, मैं इसका जो है शॉर्ट भी अलग से जो है डालूंगा, आप लोग कोशिश करना कि वो वायरल हो जाए। हाँ। थोड़ा सा तो बिजली का बिल भी बच गया, पेट्रोल का बिल भी बच गया, मतलब कि फ्री में चल रही है यार। सो कैमरे की बैटरी हो चुकी है खत्म, तो हमने सोचा कि हम फोन से शूट कर लेते हैं। कार्ड भी फुल हो चुका है हमारे, तो बेसिकली सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ। तो अब क्या क्या इसमें मिल जाता है, मतलब इसकी लुक की बात लुक की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है और कैसी लुक लगती है इसकी। देख आ जाओ, फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको दो दो फॉग लैंप्स मिल जाती हैं, ओला की बैजिंग मिल जाती है और एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें 4.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर आपको स्टार्ट करनी है सबसे पहले आपको स्टैंड उठाना पड़ेगा और उसके बाद आपको ब्रेक दबा के इसको पार्किंग मोड से नॉर्मल मोड में ले आना पड़ेगा। और अगर आपको मोड चेंज करना है यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको इको मोड मिल जाता है, नॉर्मल मोड मिल जाता है एंड स्पोर्ट मोड मिल जाता है। ऊपर की साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, रिवर्स मोड मिल जाता है। दूसरी साइड में आपको लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाती है एंड हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो राउंडेड मिरर्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप बूट स्पेस को ऑन कर सकते हैं। 34 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, दो दो हेलमेट्स रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, ये हमने अलग से लगाया हुआ है, वैसे आपको ये नहीं मिलता साथ में ऐसे मिलता है। सो बैक साइड की बात करते हैं तो बहुत ही प्यारी टेल लैंप्स मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाते हैं, ड्यूल शॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मोटर फिक्स मिल जाती है जहाँ से मतलब कंट्रोल होता है। सो आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों का इस ओला को लेकर कोई भी डाउट हो माइंड में तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, हम डेडिकेटेड वीडियो जो है उस कमेंट के ऊपर लेकर आएंगे और उसका कमेंट जो है वीडियो में हाईलाइट भी करेंगे कि किसने हमसे जो है कमेंट किया है। कोई भी जो है क्वेश्चन रह गए हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे लाइक कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।